हे एवरीवन, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने नए सेशन फॉर क्लास 8th, 9th and 10th। ऑल्दो फ्रॉम 1st of April सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इंटरनेट इश्यूज थे, वाईफाई को चेंज कराना पड़ा, थोड़ा सा समय लगा। अब सारे इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया है और आज से हमारा नया सेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब से रेगुलर वीडियोज़ जो हैं, लेक्चर्स जो हैं, वो अपलोड होते रहेंगे अनुशाला पर, तो आप मेरे साथ अपनी जर्नी चालू कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू कर देंगे अपने क्लास 9th के सिलेबस के साथ। हाँ, दो इम्पॉर्टेंट बात पहले कर लेते हैं। क्लास 9th और 10th के लिए जो सिलेबस है, CBSE सिलेबस, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो वीडियोस उसके लिए अनुशाला पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर उनको देख लीजिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, चाहे आप किसी भी क्लास में हों या फिर आप किसी भी लेवल पर सोशल स्टडीज़ या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं, या 8th, 9th, 10th किसी भी स्टैंडर्ड में, वहाँ पर आपको तीन सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स देखकर आने चाहिए, जो मैंने अनुशाला पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नोट मेकिंग के बारे में, सिलेबस या जो सब्जेक्ट है हमारा उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में, और तीसरा मैप वर्क के बारे में। ठीक है, तो नया सेशन स्टार्ट करने से पहले ये तीनों लेक्चर्स मुझे लगा कि डालना ज़रूरी है, ये स्ट्रेटेजी, ये गाइडेंस देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनको बिना देर के अपलोड कर दिया था। राइट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि आपके लिए जेन्युइनली यूज़फुल रहेगा। ओके, चलो अब यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं क्लास 9th के लिए। 10th और 8th के लिए भी लेक्चर्स जल्दी ही अपलोड होंगे। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नाउ आई होप इट इज़ विजिबल। चलो, सो वेलकम टू अनुशाला, लेट अस स्टार्ट विद इट। क्लास 9th के लिए शुरू कर देते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से शुरू क्यों किया जा रहा है? आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 10th और 8th को भी ज्योग्राफी से शुरू करूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के जो चैप्टर होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटे होते हैं, कम लेंथी होते हैं और साथ में ईजी होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो उसको जब हम एक दो चैप्टर ईजी पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद टफ चैप्टर्स पे, हिस्ट्री के चैप्टर पे या सिविक्स के चैप्टर पे जाने में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है और डर नहीं लगता है बेसिकली। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ज्योग्राफी। येस, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकार का इंट्रोडक्शन देता है आपकी कंट्री के बारे में। ठीक है, जिसमें हम इंडिया की साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं या कौन से कंसेप्ट्स को उसमें यूज़ किया जा रहा है, टाइम कैसे डिसाइड हो रहा है, पूरी इंडिया में अगर अभी 4 बज रहे हैं तो कैसे बज रहे हैं 4। ठीक है, प्लस हमारी कंट्री की लोकेशन, अगर हम जिस जगह पर सिचुएटेड हैं, साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम रहते हैं, तो वहाँ पर इंडिया के लिए उस ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंस क्या है, कैसे हमारी इंडिया की स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को हमारे यहाँ की ज्योग्राफी सपोर्ट करती है। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के ख़त्म नहीं करेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा है अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही शानदार है अगर आप इसमें जो बिटवीन द लाइन्स चीज़ें हैं ना, जो बता दी गई हैं लेकिन समझाई नहीं गई हैं, अगर आप उनको समझते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन चीज़ों को आप तक डिलीवर कर पाऊँ। चलो, अगेन जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अनुशाला पर मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं सिखाने आई हूँ। ठीक है, एंड नॉट ओनली मैं सिखा रही हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे। चलो, लोकेशन क्या है हमारे इंडिया की? हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? वैसे तो 9th स्टैंडर्ड तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, अगर नहीं है तो एक मिनट में उसको समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आपको बीच में एक लाइन दिख रही है जो कि आपकी है 0° इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर एक ऐसी लैटिट्यूड है जो क्या करती है, हमारे पूरे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, बीच से निकल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी, और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। स्फीयर की शेप की है अर्थ और उसका आधा हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में तो सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इज़ इंडिया, हम मैप में देख सकते हैं, और इंडिया है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, प्लस कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। ठीक है, अब अगर आपको बिल्कुल ज्योग्राफी का बेसिक नहीं पता है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उस चीज़ को समझाऊंगी तो ये लेक्चर बहुत लंबा जाएगा और हम चैप्टर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के नीचे मैं आपको अपने पुराने वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पर आपको सारा बेसिक्स, लेटिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, चलो देखो, ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ अफ्रीका, हियर इट इज़ यूरोप, दिस इज़ एशिया, यहाँ तक दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, सिक्स कॉन्टिनेंट्स ये, एंड सेवेंथ वन इज़ दिस अंटार्कटिका। राइट, तो इंडिया की लोकेशन क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, और एशिया में भी साउथ तरफ। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा हमारा एशिया है, ठीक है, तो इंडिया बेसिकली साउथ में है ना, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि इंडिया इज इन साउथ एशिया। राइट, ठीक है, और ईस्ट एशिया इस हिस्से को बोलेंगे जहाँ पर इंडोनेशिया है। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारे इंडिया का? इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंट करती है। ठीक है, अब ये मिनट्स क्या हैं? ये मिनट्स एक्चुअली डिग्री का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारी 0 डिग्री लेटिट्यूड। राइट, अब सिर्फ लेटिट्यूड बना देने से काम यहाँ पर नहीं चल रहा था, तो हमें बनानी पड़ी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पर किसी भी कंट्री की पहुँच सकें। ठीक है, तो अब लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताने के बाद हम एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुँचते? हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचते, जैसे हमें पता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। राइट, हमें पता है कि इंडिया के बिल्कुल बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट, मतलब क्या है कि अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से हम सिर्फ इंडिया को लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सेंटर से निकल रही है ना। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ा कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो 0 डिग्री के ऊपर, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमने यहाँ से चलना चालू किया और हमें पता चला कि अच्छा ये 8 डिग्री नॉर्थ से चालू हो रहा है। राइट, सो दिस इज़ 8 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से हम ऊपर चलते चले गए, चलते चले गए, यहाँ पर आया 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन ये तो सेंटर है, इसके ऊपर भी है इंडिया, तो हम इसके भी ऊपर चलते गए और हमें फिर यहाँ पे जाकर मिला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस हिस्से में आपकी इंडिया लोकेट होती है, लेकिन सिर्फ इतने हिस्से से भी हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि इस पूरी लेटिट्यूड की का सिंबल क्या है? 8 डिग्री, और इस पूरी लेटिट्यूड का सिंबल है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, मतलब अब इस पूरे हिस्से के बीच में कहीं भी इंडिया हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, और यहाँ भी हो सकता था। फिर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचना था, तो हमने क्या किया? फिर हमने बना ली लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, दिस इज़ योर नॉर्थ पोल, दिस इज़ योर साउथ पोल। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या करती हैं? एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। ठीक है, इस तरीके से, एंड सेम हैपन्स टू दिस साइड। राइट, ये वाला हिस्सा, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे 0 डिग्री लेटिट्यूड है वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को फिर से दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, लेकिन ये डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। राइट, अब हमने क्या एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने के लिए क्या किया? लॉन्गिट्यूड्स को देखा, और जब हमने लॉन्गिट्यूड्स को देखा तो हमें पता चला कि ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो ईस्ट लिखा है दोनों तरफ, मतलब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ देखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि ओके, यहाँ 67 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक इंडिया एक्सटेंड कर रही है, तब हमें एग्जैक्टली पता चला कि इंडिया इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और, ये मिनट क्या है? ये मिनट, मान लो
कि हमें हमें पता है कि इंडिया 8 degrees 4 minutes नॉर्थ में है, ठीक है, तो 8 degrees तक तो हम पहुंच गए। अब ये 8 degrees और 9 degrees के बीच का जो एरिया है वो हमको पता चलेगा इस मिनट से, ठीक है। मिनट कैसे, जब हमने ये लॉन्गिट्यूड्स बनाई तो हमने ये देखा कि अब हम इनसे टाइम कैसे डिसाइड करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि देखो, मतलब हमने यानी साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो उन्होंने क्या स्टैंडर्ड बनाया कि इनके बीच में अगर डिफरेंस 15 degrees है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हर 15 degrees हम जब ईस्ट जाएंगे तो कितना टाइम ऐड होगा, 1 hour, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर बज रहे हैं 12, ठीक है, और मैं 15 degrees ईस्ट जाती हूँ अपनी लोकेशन से, 15 degrees ईस्ट अर्थ के सरफेस पर, तो वहाँ पर उसी समय जितने समय यहाँ पर 12 बज रहे हैं उतने समय वहाँ पर बजेगा 1। क्यों? क्योंकि 15 degrees ईस्ट ट्रैवल करने से मेरा जो टाइम है, ठीक है, वो क्या हो गया, 1 hour इंक्रीज़ हो गया। वैसे ही अगर मैं 15 degrees वेस्ट की तरफ जाती तो 1 hour, यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 11 बजता, यानी 1 hour माइनस होगा। गेटिंग? इस तरीके से हम टाइम को डिसाइड करते हैं या टाइम को मेजर कर पाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो, अब 15 degrees आ रहे थे, 1 hour, मतलब 15 degrees आते तो 1 hour ऐड होता, ठीक है। तो 1 hour को अगर मैं लिख सकती हूँ, जैसे 1 hour को मैं बोल सकती हूँ 60 minutes, है ना, 1 hour मतलब 60 minutes, ठीक है। तो 1 hour को 60 minutes अगर मैंने लिख दिया और मैं बोल रही हूँ कि 15 degrees जाने में 1 hour क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 1 degree, क्योंकि 1 hour को मैंने यहाँ पे 60 minutes लिखा है, ठीक है, तो 1 degree इज इक्वल्स टू 60 divided by 15, और 60 divided by 15 कितना होता, 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 minutes, यानी कि मुझे 1 degree ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 4 minutes, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि मैं 16 degrees आ रही थी, ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कैसे करूँगी, 15 degrees प्लस 1 degree, तो 15 degrees आने में मुझे लगेगा 1 hour, ठीक है, और 1 degree और ट्रैवल करने में मुझे 4 minutes और लगेंगे, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली 16 degrees ट्रैवल करने के बाद मुझे कितना टाइम ऐड करना पड़ेगा, 1 hour 4 minutes, ठीक है। तो एग्जैक्ट, बिल्कुल डिग्रीज के बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचने के लिए हमें ये मिनट्स की ज़रूरत पड़ी, राइट। और ये मिनट का साइन कैसा है, ये तो डिग्री का साइन हम समझते हैं, है ना, और ये मिनट का साइन यानी कि एक अपोस्ट्रॉफी जैसा एक छोटा सा साइन ऊपर लगता है, वो होता है मिनट्स का, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेजर द एग्जैक्ट लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। चलो, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degrees north, 23.5 degrees north को हम 23 degrees 30 minutes north भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ डिग्री को भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 minutes north, फाइन। डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 equal parts, ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न, क्योंकि अभी हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया के मिडल से, यानी ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर से निकलती है, तो इंडिया को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। लेकिन ये बराबर के दो हिस्से आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बिल्कुल इक्वल है, ये इंडिया के सेंटर से गुजरती है, बस हमें इतना समझ में आता है। ऊपर का एरिया अलग है, मतलब उसका मेजरमेंट अलग है, और नीचे वाले एरिया का मेजरमेंट अलग है, फाइन। इंडिया का अगर हम टोटल एरिया देखते हैं तो इट इज़ 3.28 million square kilometers। अब इंडिया के इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, हमारे पूरी लैंड जो जितना इंडिया के अंदर आता है, जितना भी लैंड मास इंडिया के अंदर आता है, यानी हमारे सारे के सारे 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, ये सब कुछ किस में आएगा, आपके इंडिया के टोटल एरिया के अंदर, राइट। अब आप जानते हैं कि ये हमारे इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में हमारे पास है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये भी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज में है। तो जब हम इंडिया का टोटल एरिया देखते हैं, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का और लक्षद्वीप आइलैंड्स का भी पूरा एरिया इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड जो हैं ये हमारी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, फाइन। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आप ये सोचोगे कि टोटल एरिया हम लैंड का देख रहे हैं तो हम उन दोनों को क्यों मिलाएंगे, उन दोनों को इसलिए मिलाएंगे क्योंकि वो इंडिया की ही टेरिटरीज है, फाइन। चलो, ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है ये हमारी अर्थ का 2.4% है,
ठीक है, यानी कि अर्थ का जो टोटल एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ना, वो 2.4% एरिया जो है वो किसके पास है, इंडिया के पास। देन इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री, राइट। अब शुरू की 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं, यहाँ हम वर्ल्ड मैप में इनको लोकेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि रशिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, यूएसए है, राइट। ये सब के सब क्या हैं, इंडिया से बड़ी टेरिटरीज़ हैं, इंडिया से बड़ी कंट्रीज़ हैं, और इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 7th, राइट। इंडिया की लैंड बाउंड्री टोटल कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज़ को गिन रहे हैं हम, ठीक है, मतलब इंडिया की एक जो आउटलाइन होगी आप उसको गिनेंगे। अब देखते हैं हम इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन क्या है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है वो लाइन या वो टोटल एरिया जहाँ पर कोस्ट है, ठीक है। तो इंडिया में कोस्ट कहाँ कहाँ पर है, इंडिया के मैप देखते हैं। या कोस्ट का मतलब क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पर एक तरफ आपका लैंड है और दूसरी तरफ वाटर सरफेस है, ठीक है, तो वो कोस्ट बनाता है, राइट। जैसे कि इंडिया की कोस्ट लाइन देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात से चालू होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया तो लैंड एरिया तो है लेकिन उसके साथ साथ जस्ट एडजेसेंट में क्या है, वाटर एरिया है, ठीक है, वाटर सरफेस है। तो यहाँ से आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन चालू होती है और ये बिल्कुल आपके पेनिनसुलर इंडिया को कवर करती हुई अगेन ईस्टर्न घाट्स की तरफ आएगी, सॉरी वेस्टर्न घाट्स की तरफ आएगी और इस पूरे एरिया को कवर करेगी वेस्ट बंगाल तक, राइट। इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे हम, इसके आगे हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है ये पानी से लगा हुआ नहीं है, इंडिया का तो हिस्सा है लेकिन पानी से लगा हुआ नहीं है, तो कोस्ट तो नहीं बन रहा है कहीं से, कोस्ट बन रहा है सिर्फ इतने एरिया में। तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो ये है, ठीक है। कितनी है टोटल, इंडिया की कोस्ट लाइन टोटल है 7,516 किलोमीटर्स, फाइन। और इसमें भी अगेन हम इंक्लूड करने वाले हैं अपने अंडमान एंड निकोबार वाले और लक्षद्वीप वाली कोस्ट लाइन को, फाइन, क्योंकि वो तो आइलैंड ही है, उनकी कोस्ट लाइन तो चारों तरफ होगी, ठीक है। चलो मैप देख लो एक बार, हमें मार्क करनी है ये चार चीज़ें, राइट। अरेबियन सी कहाँ पर है, यहाँ पर। इंडिया का ये जो सदर्न एक्सटेंट है, ठीक है, अभी जिसको हमने कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ा, ये जो शेप है एक्चुअली, एक जो आपको उल्टा सा ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं पेनिनसुला, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इज़ अ लैंड मास विच इज़ सराउंडेड फ्रॉम विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है ना, ईस्ट तरफ क्या है, अरेबियन सी, वेस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, तीन तरफ से पानी है, तो ये एरिया होगा पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, इसके ईस्ट में है अरेबियन सी। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ कहाँ पर होते हैं, जब मैप वर्क आता है ना ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को मार्क करो, राइट। तो आपको ये तो पता होता है कि एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, लेकिन हम उसको गड़बड़ कर देते हैं। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि यहाँ पर याद रख लो कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट। वेस्ट बंगाल कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब बंगाल के नीचे होगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आ गया आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया के और ईस्ट तरफ क्या लोकेटेड है, सॉरी, इंडिया के वेस्ट तरफ क्या लोकेटेड है, अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ के कारण इसको हमने कह दिया अरेबियन सी, ठीक है, और नीचे तो इंडियन ओशन है ही, सही, राइट। चलो तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इसको याद रखना भी ज़रूरी है कि अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल के नीचे है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के नीचे, और लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में, राइट। तो ये चार चीज़ें हमें मार्क करनी ज़रूरी हैं, और अगर आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग योर फाइनल एग्जाम्स, वहाँ पर हालांकि मैप वर्क देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको इन चीज़ों से मैप वर्क आता ही आता है, ठीक है। और क्योंकि हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं पूरी क्लास, 9th क्लास में और 10th क्लास में, तो हमें ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये याद होना चाहिए, फाइन। देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश ऑफ 2 आवर्स। चलो अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
कि टाइम गैप जो है वो क्यों आता है, है ना। देखो अब इंडिया की टेरिटरी काफ़ी बड़ी है ना, अगर आप नॉर्थ से साउथ देखें तो भी, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट देखें तो भी, ठीक है। देखो फिर भी यहाँ पर हम पूरे इंडिया में एक ही टाइम को मानते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पर टाइम हो रहा है उतना यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पूरे इंडिया में टाइम सेम है। क्यों है टाइम सेम? क्योंकि हम सारे के सारे लोग, इंडिया में रहने वाला हर स्टेट क्या करता है, सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड को फॉलो करता है फॉर द पर्पस ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से क्या डिसाइड होता है? टाइम, है ना। अब हमने क्या किया, ऑल्दो इंडिया की टेरिटरी बड़ी थी फिर भी हमने ये देखा कि अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा टाइम जोन को रखेंगे, है ना, कि एक बार में एक अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, है ना। और इंडिया इतनी भी ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है कि हम उसके लिए अलग अलग टाइम जोन्स रखें, ठीक है। तो एक ही टाइम जोन रखा, और एक ही टाइम जोन रखा मतलब एक ही लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हो रहा है कि इंडिया में टाइम क्या हो रहा है, है ना। तो वो लॉन्गिट्यूड कौन सी है? वो लॉन्गिट्यूड है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड, जिसकी जिसका एंगल कितना बन रहा है, 82 degrees 30 minutes ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया ही ईस्ट में है, तो इससे निकलने वाली जो लॉन्गिट्यूड होगी वो भी ईस्ट में होगी, राइट। और ये कहाँ से पास होती है? हमारे मिर्ज़ापुर यूपी, है ना, यहाँ से। इस तरीके से इस पूरी लॉन्गिट्यूड को हम फॉलो करते हैं, है ना। अब देखो एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, बीच से निकल रही है, तो साइंटिस्ट को ये लगा कि चलेगा पूरे इंडिया में ज़्यादा कुछ वेरिएशन टाइम को लेकर तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हमारे गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये इंडिया का सबसे लास्ट, है ना, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारे, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में कौन सा है? गुजरात, ठीक है। अब क्या होता है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम एक ही हो रहा है, लेकिन अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट, ठीक। अब अर्थ जब रोटेट करेगी, ठीक है, अर्थ जब क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो सन पहले कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में, है ना, सनराइज अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा। और जब तक सनराइज गुजरात में होगा तब तक यहाँ पर अच्छा खासा उजाला जो है, या अच्छी खासी जो मॉर्निंग है वो यहाँ पर हो चुकी होगी, ठीक। तो यहाँ के लोग मान लो कि सोकर उठे हैं 6 बजे, अब पूरे इंडिया में 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 बजे ये सोकर उठ रहे हैं, तो इनके यहाँ 8 बजे तक अच्छा खासा मौसम हो जाएगा ऑफिस जाने लायक, राइट। लेकिन जब तक इनके यहाँ पर 6 बजेंगे, मतलब इनके यहाँ जब 6 बजे हैं, तो कंपैरेटिवली सन रेज कम होंगी, ठीक है, कंपैरेटिवली मॉर्निंग जो है वो थोड़ा देर से होगी, राइट। यहाँ पर इवनिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगी, यहाँ पर इवनिंग देर से समझ में आएगी, लेकिन टाइम उतना ही चल रहा है, ठीक है। तो मौसम को या वेदर को जब हम देखते हैं तो उसमें वेरिएशन हमें समझ में आता है दोनों जगह पर टाइम एग्जैक्टली वही होता है, सेम, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सम वेदर्स, ठीक है, इन सम सीजन्स, जैसे कि ठंड के सीज़न में यहाँ पर 6 बजे लोग, मान लो दोनों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के लोग 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 6 बजे इनके यहाँ उजाला हो गया, 8 बजे तक इनके यहाँ पर धूप निकल आई, तो ये बाहर निकल के काम कर सकते हैं। लेकिन 6 बजे अगर गुजरात के लोग उठ रहे हैं और 8 बजे तक इनके पास धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सनराइज जो है वो आने की मतलब पहुँच रही है, है ना, तो क्या होगा, क्या 8 बजे तक गुजरात के लोग भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको वेदर जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लगेगा, ज़्यादा ठंडा लगेगा, है ना, और यहाँ पर शाम बहुत जल्दी हो जाएगी, यहाँ पर शाम उतनी जल्दी नहीं होगी, तो अगेन यहाँ के लोगों के लिए भी वो चीज़ सफ़र करनी होती है। ऑफिस टाइमिंग लगभग लोगों के लिए सेम होता है, है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें फेस करते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोग। हमको क्यों नहीं समझ में आता, अगर आप MP में बैठे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या यहाँ कहीं बैठे, तो क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उतना वेरिएशन नहीं हो पाता, ये दोनों एकदम एक्सट्रीम में है, ठीक है, बहुत ही दूर दूर पड़ जाते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर हमको ये जो वेरिएशन है वो देखने को समझ में आता है। लगभग कितनी देर का डिफरेंस है? 2 घंटे का, ठीक है। अगर यहाँ पर सनसेट हो गया है शाम को 4 बजे, ठीक है, तो गुजरात में भी 4 बज रहे, लेकिन यहाँ पे दोपहर के आप मान के चलें 2:30-3 बजे तक का मौसम यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। 6 बजे यहाँ पर अच्छी खासी रात हो जाएगी, 6 बजे यहाँ पर सन
सेट जो है वो हो रहा होगा। फाइन, तो ये प्रॉब्लम इंडिया के कुछ लोग सफ़र करते हैं जो कि एक्सट्रीम स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लंबा है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना। सनराइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, और इन सम सीजन्स यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ होती हैं, राइट। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82° 30' ईस्ट। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसको ही क्यों चुना? इसको ही इसलिए चुना क्योंकि कोशिश ये की गई कि इंडिया में ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से डिस्टेंस जो है वो बराबर रखने की कोशिश यहाँ पर की जाए, राइट। इसलिए हमने ये वाली लॉन्गिट्यूड को चूज़ किया। फाइन, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से पास होती है। सो मिर्ज़ापुर, यूपी। चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, इंडिया स्ट्रेटजिकल लोकेशन। क्या इंडिया जहाँ पर है उसकी ज्योग्राफी इंडिया के लिए कुछ स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस रखती है? जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिल्कुल रखती है। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया साउथवर्ड जो एक्सटेंशन अपने पास रखी हुई है ना, ये जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर, देखो एशिया में जितनी भी, इंडिया साउथ में, एशिया के, इंडिया के ऊपर की जितनी भी कंट्रीज है वो लैंड के थ्रू है ना, लैंड मास के थ्रू बाकी कंट्रीज से ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन इंडिया, क्योंकि ये पेनिनसुलर यहाँ पर बनता है, इसके कारण इंडिया को वाटर के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू भी बाकी कंट्री से कनेक्ट होने का चांस मिलता है। इंडिया ये वाले कोस्ट से, ये कौन सा कोस्ट है हमारा? ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। यहाँ से ईस्टर्न कंट्री से कनेक्टेड हो जाती है, जापान के साथ, कोरिया के साथ, ठीक है। और इस तरफ से ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, यहाँ से किससे कनेक्ट कर सकती है? ये अपनी वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट कर सकती है, ठीक है, चाहे वो USA हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो, किसी के भी साथ, गेटिंग। तो हमें पूरी तरीके से, मतलब दोनों तरफ के जो वर्ल्ड्स हैं हमारे, उनसे हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आर वाटर वेज, ठीक है। और वाटर वेज की मदद से क्या सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। यही पेनिनसुलर इंडिया जो है, या जो सदर्न एक्सटेंट, साउथवर्ड एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, इसने हमको मदद की बाकी, मतलब जो हम हिस्ट्री देखते हैं, जब वास्को डी गामा आए तो वाटरवेज के थ्रू आए, ठीक है, ट्रेड चालू हुआ, स्पाइसेस का ट्रेड चालू हुआ, और स्टोन्स का, प्रीशियस स्टोन्स का, जेम्स का जब ट्रेड चालू हुआ तो कहाँ से चालू हुआ? यहीं से तो चालू हुआ, कोस्ट से, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इंडिया की स्ट्रेटजिकल लोकेशन जब उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है या इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, राइट। सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ से हम सेंटर में, ठीक है। ऑल दो जब आप मैप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, हम सेंटर में कहाँ हैं, ये देखो हम तो यहाँ पे हैं, सेंटर तो ये होता है ना, ठीक है। लेकिन सेंटर यानी पूरे वर्ल्ड का सेंटर की बात नहीं कर रहे, सेंटर बताने का मतलब है कि हम ईस्ट से भी बराबर कनेक्ट कर सकते हैं और वेस्ट से भी बराबर कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है, यानी कि ये ओशन में जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ना, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है, वहाँ पर हम ज़्यादा अधिकार रख पाते हैं अपनी वाटर बॉडीज़ में। इवन इंडिया आप सोचें कि कुछ तो इम्पोर्टेंस रखता होगा, तभी तो उसके नाम के आगे हमने ओशन लगाया, मतलब एक ओशन को हमने किसके नाम पर रख दिया? इंडिया के नाम पर रख दिया, ठीक है। इट मीन्स इट शुड हैव सम इम्पोर्टेंस। एक्सेस टू ओशंस कनेक्ट्स विथ यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट कंट्री से भी हमको कनेक्ट कर रहा है और ईस्ट वर्ल्ड कंट्री से भी हमको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला प्लेज अ मेजर रोल। क्यों मेजर रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि ये हमको वाटरवेज की मदद से कनेक्ट करने में मदद करता है और हमारे पास पोर्ट्स की कमी नहीं होने देता, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों तरफ कोस्ट है, अब ये सारी जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर हमको ढेर सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो हमको किसी दूसरी कंट्री के पोर्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ता, डिपेंड नहीं करना पड़ता फॉर आर पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन, तो हम इंडियन ओशन का ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं बेसिकली, ठीक है। हम उस पर पूरा अधिकार नहीं जता पाते क्योंकि वो हमारा नहीं है, कोई भी ओशन किसी कंट्री का नहीं है जस्ट बिकॉज उसका नाम वहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा वहाँ पर प्रेजेंस है, दैट्स व्हाई हम उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्टिल इंडिया हैज़ इंटरनेशनल कनेक्शंस विद द वर्ल्ड थ्रू लैंड रूट्स, वाटरवेज के थ्रू अगर हमारा पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन है, इट डज नॉट मीन्स कि हम लैंड मास के थ्रू किसी भी कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जब
हमारे पास वाटरवेज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस देखने की बात आती है तो हम रोडवेज से रेलवेज से भी उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड बाकी कंट्रीज़ के साथ है। जो अपर कंट्रीज़ हैं हमारे ऊपर की नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी नहीं है, लैंड मास है पूरा, ठीक है, वहाँ पर हम लैंड के थ्रू कनेक्टेड हैं अपनी बाकी कंट्रीज से। फाइन, थ्रू पासेज इन बिटवीन दी माउंटेन्स, कहाँ से कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पर आप हिमालयाज देखते हैं, राइट। हिमालयाज के बीच में क्या होता है, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, राइट, पहाड़ों के ऐसे बीच में से कुछ छोटे छोटे से रास्ते हैं जहाँ से पैदल या छोटे छोटे एनिमल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पासेस, ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ से, राइट। तो जब हमारे मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स कम थे या नहीं थे तब हम लैंडमास के थ्रू वहाँ से क्या थे, कनेक्टेड थे, राइट। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़, इतने सारे कनेक्शंस बनाने के जो हमारे पास तरीके हैं उसकी मदद से क्या होता है कि आइडियाज़ और कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी नहीं, ट्रेड नहीं, यहाँ पर आइडियाज़ जो हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, है ना। जैसे कि आज हम वेस्टर्न कल्चर को अगर देखते हैं, वहाँ के लोग ईस्टर्न कल्चर को देखते हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग और वहाँ के लोग जब मिलते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को देखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि अच्छा है, इनके आइडियाज़ ये हैं या इनका रहने का तरीका ये है, राइट। तो इस तरीके से आइडियाज़ भी, पर्सनैलिटीज़ भी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। रिलीजियस थॉट्स यहाँ से वहाँ कैरी हो सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिशनरी स्कूल, ठीक है, जो क्रिश्चियंस ने बनाने चालू कर दिए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आया, धीरे धीरे करके इंडिया में भी फैक्ट्री बनने लगी, कैसे, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर पा रहे थे, है ना, ट्रेड कर पा रहे थे, तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा वहाँ पे फैक्ट्रीज लग सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं लग सकती, तो हमने यहाँ पे भी लगा ली, ठीक है। चाइना ने अगर प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, आज हम सारे लोग बुक्स की मदद से पढ़ते हैं, कैसे, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है, या जो डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं लोगों के साथ। देन आर्ट एंड स्कल्पचर्स, राइट, हमें कैसे पता कि अगर इंडिया में कोई चर्च बना है पुराने समय का, कैसे बना, वहाँ से कोई क्रिश्चियन व्यक्ति आया होगा या वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिसको क्रिश्चियन बिल्डिंग्स के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है, कि ऊपर एक क्रॉस बनता है, जनरली इस शेप के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि आर्ट एंड स्कल्पचर भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रैवल कर पाता है लोगों के साथ। देन बुक्स एंड नॉलेज, अगेन इसमें तो कुछ डिस्कस करने जैसा है ही नहीं, राइट। चलो, ये हो गया हमारा इंडिया की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन कैसे उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या कैसे उसको एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है ना। अब इंडिया का एक बहुत छोटा सा नॉलेज देख लेते हैं, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स आपको मैप में इजीली विजिबल है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी इसके पीछे ये है कि इंडिया में इनिशियली की बात करूँ मैं तो आज से कुछ साल पहले तक, है ना, जब तक बहुत सालों तक 10-15 साल तक हमने एक ही चीज़ पढ़ी कि हाँ इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं थे, ठीक है। इंडिया में कितने स्टेट्स से पहले, 28, राइट। 28 स्टेट्स में से एक स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक दूसरा स्टेट बना जिसका नाम था तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना बना अराउंड 2017, तो 28 से स्टेट हो गए 29, ठीक है। फिर हम पढ़ने लगे कि 29 स्टेट्स हैं, लेकिन पिछले साल यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा एक स्टेट हुआ करता था उसको स्टेटहुड से हटाकर, है ना, उसको स्टेट से हटाकर क्या बना दिया, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास पहले थी 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, राइट। फिर हमारे पास हो गए 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि एक तेलंगाना बढ़ गया, लेकिन पिछले साल हमारे पास हो गए 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया, लद्दाख और जम्मू, ठीक है, और दोनों को बना दिया गया यूनियन टेरिटरीज, तो स्टेट हो गए 28 और यूनियन टेरिटरीज हो गई 9। फिर इसके बाद हमने क्या किया, दो पुरानी यूनियन टेरिटरीज जिनका नाम था दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज गिनते थे, इनको एक कर दिया, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हो गई 8। तो करेंटली हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स, ठीक है। इसको लेकर आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने ये छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पर बता दी, राइट। 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जम्मू, लद्दाख, अलग अलग हैं, ठीक है, जम्मू एंड लद्दाख, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली,
इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया, देन पौंडीचेरी। ठीक है, इसको ज़रूर से या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इंडिया के नेबर्स, पड़ोसी कौन कौन है हमारे, है ना, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आसपास कौन कौन लोग रहते हैं ये तो हमें जानना पड़ता है, राइट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे के सारे लगभग हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर नेबर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारे इमीडिएट नेबर्स होते हैं उनसे हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं होते, जबकि नेबर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के मैप में, इधर देखो, इंडिया का इमीडिएट कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर नेपाल और भूटान के साथ रिलेशन भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं। कारण क्या है, क्योंकि इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स भूटान और नेपाल दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, एज अ यंगर पर्सन ऑफ द फैमिली, ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं और साथ में हम इनको जब इनका नाम कहीं पर आता है तो हम उसको इंडिया के साथ जोड़ते हैं और इनको सपोर्ट किया जाता है। इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, नेपाल भूटान के लोगों को साथ देती है। ठीक है, चाइना के साथ हमारा रिलेशन गड़बड़ है। ठीक है, देन दिस इज़ बांग्लादेश एंड म्यांमार। डजेंट मीन्स कि हमारे अपने इमीडिएट, जैसे अगर बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन पहले अच्छे थे, ठीक है, बीच बीच में ठीक हुए, अब थोड़े साल पहले रोहिंग्या वाला जो केस आया उसको लेकर थोड़े से रिलेशन बिगड़े, राइट। देन यहाँ पर हमारा श्रीलंका के साथ भी ठीक ठाक चलता रहता था, फिशरमैन की कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पर, उसको लेकर इंडिया श्रीलंका के साथ थोड़े से रिलेशन गड़बड़ हुए। एंड यहाँ पर नीचे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, अभी तक रिलेशन काफ़ी बढ़िया थे। ठीक है, अब इस साल क्योंकि मालदीव्स ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं, हमारे यहाँ के पीएम के ऊपर कुछ उन्होंने कमेंट्स किए हैं जिसको लेकर थोड़े से रिलेशन गड़बड़ हुए हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं तो रिलेशन ठीक भी होते हैं, थोड़े थोड़े गड़बड़ भी होते चले जाते हैं, है ना। डिपेंड्स ऑन कि वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के सिविलियंस और यहाँ के सिविलियंस किस तरीके से एक दूसरे की चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने समझाने की कोशिश की है ये हमारे नेबर्स के बारे में और इनके बारे में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, बिकॉज आई बिलीव कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ने की तैयारी में रहते हैं। अदरवाइज़ अगर ये हम लूप होल्स छोड़ देंगे तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी और मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इतना आपको समझ में आया है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट करके बताएं, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए अब तक, ठीक है, नहीं किया है तो ज़रूर से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इनिशिएटिव को पहुंचा सकें, फाइन। सो मत सोचो, बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, फाइन, अगर लेक्चर पसंद आता है तो। ठीक है, चलो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।